भोपाल के टीटी नगर के मॉडल स्कूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करियर काउंसलिंग कार्यक्रम हम छू लेंगे आसमां का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी शामिल हुए। प्रदेश के जिला स्तर के उत्कृष्ट विद्यालय और उच्च शिक्षा के जिला स्तरीय कॉलेज में काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं। हम छू लेंगे आसमां योजना का क्रियान्वयन स्कूल तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर कर रहे हैं। विद्यार्थी फोन नंबर आपको बता दें जो जिस पे फोन करके सवाल कर सकते हैं, अपनी तमाम जानकारी हासिल करते हैं, वो भी हम बता देते हैं। 07552770020 पर फोन कर सवाल कर सकते हैं। 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई हम छू लेंगे आसमां योजना में करियर अकेडमी संबंधित सलाह काउंसलिंग एक्सपर्ट से ली जा सकती है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में रोजगार संबंधित पोर्टल का भी लोकार्पण किया। लाइव जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता निर्मल सिंह बैस, जिनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत। निर्मल जी, हम छू लेंगे आसमां एक अच्छी योजना जिसकी शुरुआत और लोकार्पण आज हुआ है, किस तरह से देखते हैं और आने वाले वक्त में इसका कितना लाभ इन तमाम स्टूडेंट्स को होगा? भाग मिलकर इस योजना का संचालन कर रहे हैं और करियर गाइडेंस, खासकर करियर गाइडेंस जो है 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए जो करियर गाइडेंस है उसका ये काम करेगी। साथ ही जो छात्र असफल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उनको भी गाइडेंस करने का ये तकनीकी क्षेत्र में ये जो है योजना काम करेगी। तो इसके तहत सरकार कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्गदर्शन का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। और आज ही मुख्यमंत्री ने छात्रों से ये कहा है कि सबसे पहले तो वो अपने रुचि के मुताबिक विषय का चयन करें और विषय के चयन के बाद एक बार विषय का जब चयन कर ले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसको पाने के लिए पूरी तरह से जुट जाए। मुख्यमंत्री का यह साफ विद्यार्थियों से कहना था कि बेमन का विषय ले ना ले वो, जो उनका रुचिकर विषय ना हो, क्योंकि अगर वो अरुचिकर विषय लेंगे तो आधी तो असफलता उनकी वहीं हो जाएगी और अगर रुचि का विषय लेते हैं तो आधी सफलता उनकी वहीं हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों ही शामिल थे, खासा मोटिवेट किया कहना चाहिए। और एक छात्र ने जरूर मुख्यमंत्री को थोड़ा असमंजस में डाल दिया था जब उसने ये कहा कि आरक्षण की वजह से हमें ज्यादा परसेंटेज के बाद भी लैपटॉप नहीं मिल पा रहा है, वहीं आरक्षित वर्ग के छात्र को, उसके साथी को ही लैपटॉप मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में चूंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सामान्य जाति के जो वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखा जाए छात्रों के लिहाज से तो ये बहुत ज्यादा महती योजना ही है, क्योंकि प्रॉपर अगर गाइडेंस करियर के बारे में नहीं मिल पाता है छात्र छात्राओं को तो वो अपना बेहतर ऑप्शन नहीं तलाश पाते और जो वो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्र छात्राओं विद्यार्थियों की दृष्टि से तो रश्क एक अहम योजना है ही, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो युवा वर्ग है उसको कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर, और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और छात्र छात्राओं में मामा बन के घुल मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत करती हुई सरकार यहाँ या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ नजर आ रहे हैं। जी, अगली खबर का रुख करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने के बाद मंत्रालय में बैठे वित्त विभाग के अधिकारी एक बार फिर इसके दामों में कमी का रास्ता ढूंढने की कवायद में जुट गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद जनता की नाराजगी सरकार चुनावी साल में नहीं झेलना चाहती, लेकिन सरकार के सामने मुसीबत ये है कि यदि वो दाम कम करती है तो उसकी आय प्रभावित होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही राज्यों से दाम कम करने की बात कह चुके हैं। वित्त विभाग के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार ने दाम कम नहीं किए तो दामों में कमी करने के क्या विकल्प हो सकते हैं। निर्मल जी, जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है और उसके बाद जिस तरह से जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, फिर तेल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति में आ गई है। वित्त विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं कि आखिर दामों में कटौती कैसे की जाए, क्या सॉल्यूशन निकलता हुआ देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर राष्ट्र के पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की जाए तो ये अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है और जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीजें हैं जो आम और खास दोनों को ही प्रभावित करता है
और खासकर किसानों की अगर बात की जाए रश, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि 230 में से 165 विधानसभा सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जिनको किसान प्रभावित करते हैं, तो एक अहम आंकड़ा है। साथ ही 156 230 में से विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेशा कृषि दर्शाया है विधानसभा में दी गई जानकारी में। तो कहीं ना कहीं ये पेट्रोल और डीजल के दाम आम लोगों को, खास लोगों को, और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो तमाम महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह भी ये हो सकती है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, उसमें ये लाजमी हो गया कि जनता जो है सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, क्योंकि रोज का पेट्रोल और डीजल का जिस तरीके से खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से गर्मी तेजी से उछाल ले रही है राष्ट्र, उसी तरह की तेजी के साथ कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में ये कहा जाए कि एक तरह से आग लगी हुई है, तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी जिस तरीके से आप कर्नाटक चुनाव की बात कर रही थी, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को पॉलिटिकल भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने भी जो है आज कहा है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर कर्नाटक की हार का बदला ले रही है। और साथ ही कमलनाथ का ये भी कहना है कि प्रदेश में क्योंकि किसान है, किसानों की कमर तोड़ रही है सरकार, साथ ही महंगाई को बढ़ावा दे रही है, तो पेट्रोल कहा जा सकता है रश्क एक अहम इस समय मुद्दा बना हुआ है। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान कुछ दिन पहले ये साफ कह चुके थे कि जो स्टेट्स हैं वो अपने करों में कमी करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री जयंत मलैया से बात हुई थी तो उन्होंने साफ उस समय कह दिया था कि इस तरह का फिलहाल कोई विचार नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो रिएक्शन आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर, इस बात पर मजबूर कर दिया है। और जिस तरीके से विपक्ष हमला कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर वो कहीं ना कहीं कम ही करे, और इस बात के संकेत आज जो है सेंट्रल जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी दिए हैं कि वो कहीं ना कहीं इस दिशा में अब मंत्रालय सोचने लगा है और कोई ना कोई हल जो है केंद्र सरकार निकालेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस बारे में कोई हल नहीं निकालती है और इसी तरीके से दामों में इजाफा होता रहता है, तो निश्चित तौर पर इलेक्शन ईयर है, आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में इस समय इस बार इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस वजह से इलेक्शन ईयर में सरकार जनता की नाराजगी जरा भी, खासकर किसानों की, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि उनकी नाराजगी मोल लेना बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और ये जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई जा रही है, वो एक बार अगर जनता नाराज हो गई तो उससे मनाना मुश्किल हो जाएगा। बसों के किरायों में जो है 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास कर ही दिया है परिवहन विभाग में, तो यात्री के परिवहन यात्रियों का महंगा होने जा रहा है। साथ ही ढुलाई की अगर बात करें तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों का असर और ज्यादा तेजी के साथ दिखेगा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ दर्शक और महंगाई भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी वजह से जो है वित्त विभाग के अफसर कहीं ना कहीं ये गुणाभाग करने में जुटे हुए हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके दामों में कटौती नहीं करती है तो किस तरीके से वो कम करते हैं। एक बात और यहाँ खास है रश की, जो पेट्रोल और डीजल के दामों पे सेस और जो वैट टैक्स पिछले बार जो है आज से करीब 3-4 महीने पहले जो कम किया था प्रदेश में, उससे 2000 करोड़ रुपए हर साल घाटे का जो है सौदा नजर आया था। ये भी है निर्मल जी कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और सबसे उच्चतम स्तर पर अभी वर्तमान में बताया जाता है, इससे अन्य जो कमोडिटी है उनके दामों में भी इजाफा हो रहा है, तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। फिर निश्चित तौर पर यही वजह है जो आप बोल रहे हैं, यही वजह है कि जिस तरीके से चौतरफा न सिर्फ पेट्रोल और डीजल तो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज दिनों दिन महंगी होती जा रही है और आम जनता खासकर मिडिल क्लास राष्ट्र इससे बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो यही वजह है कि अब सरकार कहीं ना कहीं सरकार के अफसर जो है वित्त विभाग के अफसर वो ये इस बात को गौर से विचार कर रहे हैं इस बात पर कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है और कितना टैक्स सरकार कम कर सकती है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि 2000 करोड़ रुपए के नुकसान की जगह अब जो है क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हुआ है टैक्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रिकवरी करके दिया है, तो वो कहीं ना कहीं 2000 करोड़ का घाटा भी सरकार का पूरा हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है कहना चाहिए रश कि अब अफसर जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट माथा पच्ची में लगे हुए कि कैसे इन तेलों के और डीजल के दाम कम किए जाए। चलिए अगली खबर को रुख करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत के निर्देश के बाद भी भारत निर्वाचन आयोग ईआरओ नेट की दिक्कतों को दूर नहीं कर सका और इसकी वजह से प्रदेश में वोटर कार्ड बनाने का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में शिफ्ट जेट वोटर के साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और पतों में संशोधन के काम पर भी इस
इसका सीधा असर पड़ रहा है। निर्वाचन कार्यालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ईआरओ नेट का नया वर्जन लॉन्च होने के बाद इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग ने नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि बूथ लेवल के अफसर घर घर जाकर वोटर का सर्वे करें। बताया जाता है कि भोपाल में 30 और इंदौर में 70,000 वोटर कार्ड पेंडिंग है। निर्मल जी, वक्त वाकई में बहुत कम बचा है और टारगेट बड़ा है और जिस तरह से ईआरओ नेट का जो नया वर्जन है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें हैं, कब तक लॉन्च होने की संभावना? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये यूं कहना चाहिए कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जैसा कि कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ 90 दिन का समय कांग्रेस के पास बचा है तो लगभग इतना ही बीजेपी के पास भी बचा है कहा जा सकता है। लेकिन यही सारी बातें चूंकि चुनाव आयोग ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है तो उसके सामने भी बड़ी विकट समस्या कहा जा सकता है। पिछली बार के चुनाव में आपको उपचुनाव में याद होगा किस तरीके से फर्जी वोटर्स और किस तरीके से इस पूरे मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस सामने लेके आई थी, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है साथ में प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि फर्जी वोटर या जो जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम न जुड़े, एक ही फोटो दो फोटो के जरिए एक ही मतदाता का नाम अलग अलग से ना बने, तो ये जो सारी कवायद है ये चुनाव आयोग करने जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि अशोकनगर के कलेक्टर भी इस बात को लेकर हटाए गए थे और बाद में उन्हें हालांकि बहाल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये निर्वाचन आयोग के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। लेकिन ईआरओ नेट जो कि कंप्यूटर के लिए काम आता है वो कहीं ना कहीं उसकी जो वजह है उसके ना बदले जाने से इस सारी समस्याओं की जड़ उसको बताया जा रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो पिछली बार दौरा किया था तब उन्हें भी तमाम राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम जानकारियां दी थी, तो उस तेजी के साथ काम जो है चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है। और अधिकारियों से जो हमारी चर्चा हुई उसके हिसाब से उनका यह कहना है कि बहुत जल्दी इसको, चूंकि चुनाव में काफी कम समय बचा है तो जल्दी इसको नया वर्जन लाकर तेजी के साथ काम किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि खासकर युवा मतदाता जो जुड़ रहे हैं और वो घर बैठकर अपने मतदाता परिचय पत्र आने का इंतजार कर रहे हैं वो भी इस हताशा में है कि काफी लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनको अब तक मतदाता परिचय पत्र नहीं मिल सका है। तो ये सारी जो समस्या है इनका समाधान ईआरओ नेट का नया वर्जन ही कर सकता है। जी चलिए अगली खबर का रुख, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाने वाली घोषणाओं की अब साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी, इसका जिम्मा प्रमुख सचिव बसंत प्रताप सिंह को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों में ज्यादा घोषणाएं पूरी होना बाकी हैं उनके प्रमुख सचिव इनकी लगातार निगरानी करें, घोषणाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। सीएम की घोषणा की लगातार ये साप्ताहिक समीक्षा किए जाने की बात यहाँ पर की गई है। निर्मल जी, क्योंकि चुनावी साल है और नवंबर में चुनाव होना है, दिसंबर में जाहिर सी बात है सरकार बन जाएगी, इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, सीएम भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जो तमाम योजनाएं मैनिफेस्टो में की गई थी, तमाम जहां भी मतलब जो भी सभाएं हुई हैं वहां पे जो योजनाओं की सौगात दी गई थी, घोषणाएं की गई थी, अब उनकी साप्ताहिक समीक्षा का वक्त आ गया है क्योंकि रिस्क नहीं लेना है सरकार को, इसलिए बिल्कुल सही कहा रास्ता आपने। अब जो है कहीं ना कहीं घूम फिर के बाद वही चुनाव किया जाती है और चूंकि चुनाव का सीजन लग चुका है तो जाहिर तौर पर सरकार का हर कदम, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य पार्टियां हो, तो वो उनका कदम कहीं ना कहीं जो भी कदम होगा वो चुनाव को के दृष्टिगत ही होगा। मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात की जाए तो निश्चित तौर पर रश्क मुख्यमंत्री जिस तरीके से जिस तेजी के साथ दौरे कर रहे हैं और जिन जिन जिलों में भी वो जाते हैं तो वहां की समस्याएं जाहिर तौर पर उनके सामने आती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए वो वहां घोषणा करते हैं जो कि लाजमी भी हो जाता है। लेकिन इन घोषणाओं पर कितना अमल हो पा रहा है इस बात को लेकर मुख्यमंत्री बेहद संजीदा है, खासकर इसलिए भी कि कांग्रेस जो है कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वो तमाम आरोप जो है लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। हाल ही में प्रवक्ताओं की टीम में इजाफा करते हुए 45 प्रवक्ता और पैनलिस्ट कांग्रेस ने बना दिए हैं, तो जो सारी चीजें हो रही हैं जिस तरीके से वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्ष की धार भी पैनी होती चली जाएगी और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि उसने कितने ज्यादा काम आम जनता के लिए किए हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है। और खासकर मुख्यमंत्री का जब नाम जुड़ा हो और घोषणा पूरी ना हो तो आम जनता में एक सीधा सा मैसेज जाता है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद गंभीर है और उन्होंने इसकी समीक्षा के बेहद कड़ी और बारीक समीक्षा के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल मंत्रालय एक्सप्रेस में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के बाद रुख करेंगे छत्तीसगढ़ मंत्रालय का।
के भीतर आतंक का पर्याय बने नक्सलियों का खात्मा क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? अरबों का फंड खर्च करने के बाद भी नक्सलियों के मूवमेंट का पता क्यों नहीं लगा पाती खुफिया एजेंसियां? क्या राजनीतिक फायदे के लिए लाल आतंक को मोहरा बना रहे हैं सियासी दल? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, नक्सल पर नकेल कब? देखिए आज रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात रोज रात 9:30 बजे। आइए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ मंत्रालय का। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज सरगुजा जिले के केपी ग्राम स्थित केंद्रीय सुरक्षा बल के बसविया बटालियन के दीक्षांत परेड समारोह में शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले जवानों को सम्मानित किया और इस मौके पर DGP AN उपाध्याय सहित गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। लाइव जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत मनोज जी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरगुजा जिले के केपी ग्राम स्थित केंद्रीय सुरक्षा बल के बस्तरीय बटालियन के दीक्षांत परेड समारोह में शिरकत की है, कितना कुछ खास रहा और क्या कुछ नई झलकियां हमें देखने को मिली? देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर था जब CRPF में बस्तरिया बटालियन नाम से एक नई बटालियन तैयार की गई है और इसमें पूरी तरह से 450 से ज्यादा जवान बस्तर इलाके के जो आदिवासी हैं उनको शामिल किया गया था। उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद एक बड़ा समारोह आज आयोजित किया गया, उनका दीक्षांत समारोह जो है वो आयोजित किया गया, पासिंग आउट परेड जिसको बोलते हैं। उसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन करके इन बस्तरिया बटालियन के जवानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उद्बोधन हुआ अतिथियों का। उद्बोधन में भी यही कहा गया कि जो बस्तर क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनमें जो है नैसर्गिक प्रतिभा है और वो नक्सलियों से मुकाबला करने में बेहद सक्षम है। इसी तरह की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की। कुल मिलाकर हौसला अफजाई की बस्तरिया बटालियन का कि ये जो बटालियन है ये नक्सलियों से लड़ने में जो है सहायक सिद्ध होंगी और इन्हीं के भरोसे एक न एक दिन वो दिन भी आएगा जब बस्तर इलाके से नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। तो यही आज इस कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां थी। जी चलिए अगली खबर को रुख करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य शासन ने आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था और इस अवसर पर आज मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। अधिकारियों कर्मचारियों ने कहा कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं, हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। मनोज जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज है, राज्य शासन ने इसे आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, आज इस उपलक्ष्य में क्या कुछ रहा? देखिए इस उपलक्ष्य में आज हर जगह पर शपथ दिलाया गया, खासतौर पर जितने सरकारी कार्यालय हैं उनमें एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की शपथ सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने ली। राजभवन में भी एक शपथ कार्यक्रम हुआ जिसमें राजभवन के सचिव SK जायसवाल ने वहां के अधिकारी कर्मचारियों को आतंकवाद के विरुद्ध शपथ दिलाई। मंत्रालय में सुबह 11 बजते ही जैसे ही घंटी बजी और सभी अधिकारी कर्मचारी वहां पर एकत्रित हुए और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर,
के नेतृत्व में वहां पर जितने अधिकारी कर्मचारी थे उन सब ने शपथ ली कि वो आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध जो है सक्रिय रूप से लड़ेंगे और इस संबंध में अपना योगदान देंगे। तो ये करीब करीब हर सरकारी दफ्तर में राजधानी के आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में ये शपथ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जी चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर नक्सल ऑपरेशन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में सीएम डॉक्टर रमन सिंह, सीएफ अजय सिंह, डीजीपी एएन उपाध्याय सहित सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी शामिल थे। बैठक में नक्सल ऑपरेशन को तेज करने संबंधी रणनीति पर चर्चा की गई। मनोज जी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी इस उच्च स्तरीय बैठक जो नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई है उसमें बैठे थे, समीक्षा की गई, क्या कंक्लूजन निकला? क्योंकि हर बार बैठक की जाती है, समीक्षा की जाती है, लेकिन जब नक्सली हमले होते हैं तो इन समीक्षा बैठकों के नतीजे सिफर रहते हैं। तो इस बार हमें क्या इसका निष्कर्ष निकलता दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए रश्क, जैसा कि आपने कहा, अभी तक जो भी बैठकें हुई हैं उनके बहुत अच्छे नतीजे सामने नहीं आए हैं। हालांकि ये जरूर है, सरकारी जो दावे हैं उसमें ये बताया जाता है कि पहले ज्यादा जिलों में नक्सलवाद की समस्या थी, वो घट के, जैसे एक बड़ा उदाहरण सरकार की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि सरगुजा संभाग जो है वो पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन ये भी एक और बात है कि कुछ नए जिले भी जुड़े हैं नक्सली समस्या को लेकर। तो हमेशा यही होता है कि रणनीति बनती है, गोपनीय रणनीति बनाई जाती है, खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है, कैसे अटैकिंग, आगे जाकर डिफेंसिव की बजाय अटैकिंग मोड में जाकर काम करने पर बातचीत होती है। लेकिन वही है कि गृहमंत्री के आने से कुछ घंटे पहले ही यहाँ पर एक बड़ी घटना को नक्सलियों ने कल अंजाम दिया था जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद हालांकि जैसे कि एक परंपरा है कि इस घटना की निंदा होती है और ये कहा जाता है कि इसको डट कर मुकाबला किया जाएगा, उनके मान में घुस के मारा जाएगा, इस तरह की बातें कही जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। तो ठीक उसी तरह से हालांकि ये 2 बजे से बैठक शुरू हुई है और अभी भी ये बैठक चल रही है। एक जानकारी प्रेस को ये दी गई थी कि 4:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, लेकिन अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है। तो लगता है कि बैठक थोड़ी लंबी चल गई है और उसमें तमाम बातों पर, जैसे कि हमारे सूत्रों ने बताया कि तमाम बातों पर कि किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अटैकिंग मोड में लड़ा जाए, कैसे खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाए, जब कैजुअल्टी होती है उन कैजुअल्टी के क्या निष्कर्ष सामने आए, उन निष्कर्षों में जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा इसमें हुई है। और इसके आधार पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद प्रेस से बातचीत में बैठक के अंदर की बातों को विस्तृत रूप से बताएंगे। चलिए अगली खबर को रुख करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल से फिर विकास यात्रा के अगले पड़ाव पर रवाना होंगे। सीएम इस दौरान दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के अलावा धमतरी, बालोद जिले के अलग अलग स्थानों का दौरा करेंगे। विकास यात्रा के दौरान इन स्थानों पर सीएम करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात स्थानीय लोगों को देंगे, साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री भी वितरित करेंगे। मनोज जी, सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर से विकास यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे, तो क्या कुछ सौगातें इस दिन अगर हम बात करें तो इन तमाम क्षेत्रों की, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर को मिल सकती हैं इस दौरे पर? क्योंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है सरकार से खासी उम्मीदें हैं लोगों को भी, और सरकार को भी लोगों से उम्मीदें। निश्चित तौर पर जी, यही मकसद है विकास यात्रा निकालने का कि सरकार ने जो 14 साल में जो प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं, चूंकि नवंबर में चुनाव होना है तो एक आशीर्वाद लेने की यात्रा भी, इसको मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि वो अपने काम का हिसाब देने के लिए जनता के बीच जाते हैं और उनसे जो है आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी के तहत हालांकि जो 12 मई से विकास यात्रा की शुरुआत हुई थी दंतेवाड़ा से ही हुई थी, माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेने के बाद ही मुख्यमंत्री प्रदेशव्यापी विकास यात्रा पर निकले थे, लेकिन उस समय केवल जिला मुख्यालय पर ही थे और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बस्तर आ गए थे। लेकिन इस बार जो विकास यात्रा का अगला क्रम है उसमें घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जाएंगे। इसमें 3 जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, इन तीनों जिलों में मुख्यमंत्री की कई स्वागत सभाएं हैं, आम सभा भी है
और उस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की जो है सौगात देंगे, कुछ जो पूरे हो चुके विकास कार्य हैं उनको उनका शिला क्षमा चाहूंगा उनका लोकार्पण करेंगे और कई नए विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके तहत जो है सामग्रियों का वितरण करेंगे, तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका बांटेंगे, सिलाई मशीन और जो है घरेलू गैस सिलेंडर, ये सब जो जो योजनाओं के तहत वितरण करने की योजना है। किसानों को धान के बोनस का वितरण होगा, 55 लाख स्मार्टफोन बांटे जाने हैं। हालांकि अभी स्मार्टफोन का ऑर्डर हो चुका है लेकिन स्मार्टफोन नहीं आया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो विकास यात्रा का अगला चरण जो शुरू होगा अगस्त माह में उस दौरान ये स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जानकारी हमें देने के लिए। बहरहाल मंत्रालय एक्सप्रेस में मेरे साथ आज के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी है, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।